इसी हफ्ते लद्दाख का दौरा कर सकते हैं सेना अध्यक्ष। लद्दाख में ग्राउंड कमांडर्स के साथ हालात की समीक्षा करेंगे जनरल एमएन नरवणे। जमीनी हालात पर होगी चर्चा। गलवान झड़प के बाद उपजे तनाव पर भारत चीन के बीच बातचीत जारी। भारत और चीन के बीच चल रही है कोर कमांडर स्तर की बातचीत। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आग्रह पर बुलाई गई बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री की पीएम को दी गई नसीहत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा कांग्रेस ने हमेशा सैन्य बलों पर सवाल किया खड़ा। सेना का अपमान करना बंद करे कांग्रेस। जनता को कांग्रेस नेताओं के बयान पर नहीं है भरोसा। कल जगन्नाथ यात्रा निकलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पूरी रथ यात्रा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच की गठित। केंद्र ने रखा प्रस्ताव, श्रद्धालुओं को शामिल किए बिना निकाली जा सकती है रथ यात्रा। लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाने की तैयारी में रेलवे। ट्रेनों की रफ्तार में मामूली बढ़त का दावा। यात्रियों से रोजाना 50 से 60 रुपए ज्यादा वसूलने की तैयारी में रेलवे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर परेशान, सप्लाई पर असर। 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन मसले पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज देश चीन के खिलाफ 2 तरह से लड़ रहा है युद्ध, एक चीनी वायरस से, दूसरा बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के साथ। इस स्थिति में पूरा देश एकजुट। बिहार में राजनीतिक दलों के बीच जारी है जोड़ तोड़ की सियासत। बिना आरजेडी अलग गठबंधन होगा तैयार। पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शुरू की तैयारी। समन्वय समिति पर आरजेडी के सहमत न होने के बाद अलग रुख अपनाने का किया ऐलान। दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, शहर में घुस सकते हैं। जम्मू कश्मीर से रवाना हुए 4 से 5 आतंकी, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हाई अलर्ट। भारत में पिछले 24 घंटों में 14,821 नए कोरोना मामले। कल से अब तक 445 लोगों की हुई मौत। देश में अब पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,282, 2,37,196 लोग हो चुके हैं ठीक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के छिपे होने का मिला था इनपुट, जिसके बाद की जा रही है कार्रवाई। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम। मॉनसून की आहट ने लोगों को दी राहत। मौसम वैज्ञानिकों ने शहर में मॉनसून आने तक रुक रुक कर बारिश होने का जताया अनुमान। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का सितम। पिछले 24 घंटे में सामने आया रिकॉर्ड 1,83,000 मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 87 लाख के पार। 4,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन से तनाव के बीच भारत के खिलाफ इस्लामिक देश उठाने जा रहे हैं बड़ा कदम। इस्लामिक सहयोग संगठन आज करेगा जम्मू कश्मीर पर आपातकालीन बैठक। मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। पाकिस्तान काफी वक्त से उठा रहा है मांग। उर्जित पटेल को मिली नई जिम्मेदारी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए उर्जित। आज से चेयरमैन के पद पर काबिज हुए उर्जित पटेल। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं गवर्नर। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में खुले मॉल में कारोबार ठप। पहले के मुकाबले 1/4 भी नहीं हो रहा कारोबार। 77% की आई है कमी। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे में हुआ खुलासा। इटली की फुटबॉल लीग फिर दोबारा हुई शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। खेल शुरू होने पर 103 दिन में पहला गोल निकोलोन ने दागा। रेनफोर्ड ब्रंट ने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम में अधिक अल्पसंख्यकों को शामिल करने को कहा। अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी किया शुरू। महिला क्रिकेट के निदेशक है रेनफोर्ड ब्रंट। लॉकडाउन में रुके हिट शो नागिन 4 का प्रोमो किया गया रिलीज। खत्म होगा इंतजार, जल्द खुलेगा लाल टिकड़ी मंदिर का जहरीला राज। अब नागिन 4 का सिर्फ क्लाइमेक्स होगा टेलीकास्ट। सुशांत सिंह राजपूत की याद में परिवार ने पटना में रखी प्रेयर मीट। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो हो रहे वायरल। फैंस ने कमेंट बॉक्स में एक्टर को दी श्रद्धांजलि। 14 जून को सुशांत ने अपने मुंबई के फ्लैट